हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वागत हो दोस्तों। अगर आप लोग यूए में रेजिडेंट हैं या आप लोग यूए में काम कर चुके हैं और आज की डेट में अगर आप लोग यूएस से आउटसाइड किसी यूरोप कंट्री में वर्क परमिट विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा पर अप्लाई करते हैं तो आप लोग पासपोर्ट देते हो, इमिग्रेशन में आपको सीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। सीएस सर्टिफिकेट मीन्स करेक्टर सर्टिफिकेट, या इसको आप लोग क्लियरनेस सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। इसके बगैर आपका पासपोर्ट जो है वो एम्बेसी में जमा नहीं होता है। इमिग्रेशन प्रोसेस में आपसे वो सीएस सर्टिफिकेट जो है मस्ट रिक्वायर्ड होता है, उसके बगैर आपका वीज़ा जो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए सीएस सर्टिफिकेट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप लोग यूएस में काम कर चुके हैं, आप लोग अपने होम कंट्री में चले गए हैं, या आज की डेट में अगर आप लोग यूएस में रेजिडेंट है, करंट काम भी कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे सीएस सर्टिफिकेट को ऑन अप्लाई कर सकते हैं विद इन 2 मिनट में। इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ऑनलाइन इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से दुबई पुलिस की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरह से यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट, इस पर आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एम्बेसेडेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन है, रेजिडेंट विजिट वीज़ा एंड आउटसाइड यूए। अगर आप लोग आउटसाइड कंट्री में आपने यूए में काम किया और आपकी एम्बेसेडी को 6 मंथ या 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, एक्सपायर हो गया, तो आपने आउटसाइड यूए करना और नीचे आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट की डिटेल और एम्ब्रेस आईडी जो कि प्रीवियस होगी उसकी आपने डिटेल यहाँ पर जो है अपलोड कर देनी है, ठीक है। तरीके से आप लोग आउटसाइड यूए में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग यूए में काम कर रहे हैं और आपकी एम्ब्रेस आईडी जो है उसको उसकी वैलिडेशन अभी बाकी है, तो आपने सिंपली रेजिडेंट वाला ऑप्शन चूज़ करना है और नीचे यहाँ पर अप्लीकेंट डिटेल में एम्ब्रेस आईडी का नंबर जो है वो फिल कर लेना है। तो मैं इसमें अपनी एम्ब्रेस आईडी का नंबर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे एक जीमेल एड्रेस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप अपने जीमेल एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे, वही फिल करना जो आपके इस टाइम मोबाइल में ऑन हो, ठीक है। यहाँ पर सर्टिफिकेट पर्पस आप चूज़ करते वक्त ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें, जिस भी पर्पस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप पर्पस यहाँ पर आपने चूज़ करना है। डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं, आप किस लिए सी एस सर्टिफिकेट ले रहे हैं। आप भी अगर आप लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अभी पुलिस सर्टिफिकेट या आपसे मांग सकते हैं, तो उस केस में आपने वही यहाँ पर चूज़ करना। तो अगर आप लोग यहाँ यू एस ए बाहर किसी यूरोप कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए तो आपने आउटसाइड यू ऑप्शन चूज़ करना है। तो मैं इसको आउटसाइड कंट्री पर्पज़ चूज़ करूँगा और नीचे यहाँ पर आपने टाइप ऑफ रिक्वेस्ट पार्टी, आपने यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्रेटरी वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसको अप्लाई करूँगा और टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपने एक्सेप्ट करनी है और इसको यहाँ पर कंटिन्यू आपने कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास एम्ब्रेस आईडी वाला मोबाइल नंबर है तो आपने वही इसको ओके करना है। अगर आप लोग मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपने चेंज मोबाइल नंबर वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने इसको क्लिक करना है। अगर आपके पास यूए का मोबाइल नंबर नहीं है, आप लोग आउटसाइड कंट्री हैं, तो आप सिंपली किसी यूए के फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर लेकर ओटीपी जो है रिसीव करवा सकते हैं, ठीक है। आप लोग उससे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, उसी टाइम वो आपको ओटीपी लिखवा देगा, एप्लीकेशन जो है वो आगे चली जाएगी, ठीक है। आपके पास यूए का मोबाइल नंबर, आप लोग अपने होम कंट्री में है, वहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर ऑन करके ओटीपी जो है वहाँ पर रिसीव हो सकता है आपको, ठीक है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले, तो मैं इसको यहाँ पर चेंज मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो वन टाइम पासवर्ड जो है मेरे मोबाइल नंबर पर रिसीव हो गया है, तो मैं यहाँ पर फिल करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दूँगा। तो नेक्स्ट आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो पेमेंट करनी है इसके लिए पुलिस सर्टिफिकेट के लिए वो 220 दिरहम जो आपने यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है। तो मैं इसको यहाँ पर एग्री करने के बाद कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं पेमेंट मेथड जो है आपके पास, अगर किसी भी यूए के बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, या अगर आप लोग आउटसाइड यूए हैं तो आपके पास अपने होम कंट्री का जो बैंक है उसका वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, तो आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो मैं इसको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो इंटरफेस है यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद इसको पे वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करूँगा, तो 220 दिरहम जो है यहाँ पर मुझे पे करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली अपने डेबिट कार्ड का जो वीज़ा कार्ड होगा या मास्टर कार्ड होगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसका यहाँ पर नंबर फिल करना है, एक्सपायर डेट और सीवीवी नंबर फिल करने के बाद जब आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो भी बैंक आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा उस पर आपको ओटीपी रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है आपकी जीमेल एड्रेस जो आपने दिया होगा उसी पर सेंड करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी आप जीमेल एड्रेस देंगे वो आपके मोबाइल में इस टाइम ऑन होने चाहिए, उसी पर ये सेंड करेंगे तो आप लोग उसका प्रिंट ले सकते हैं और अपना पासपोर्ट के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर किसी भी रीज़न से पुलिस सर्टिफिकेट रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ पर इनसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव चैट वाले ऑप्शन पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लाइव चैट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अपना जो भी
क्वेरी होगी वो सबमिट कर सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्यों रिसीव नहीं हुआ, जो भी रीज़न होगी वो यहाँ पर आपको बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में पुलिस सर्टिफिकेट या सीए सर्टिफिकेट की काफ़ी वैल्यू है। अगर आप लोग यूएई में इस टाइम काम कर रहे हैं, रेजिडेंट हैं, तो आपको ये ज़रूर मंगवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग यूएई में काम करके अपने होम कंट्री चले गए हैं, आपने 5 साल पहले काम किया या 3 साल पहले काम किया है, तो अगर आप लोग किसी यूरोप कंट्री में अप्लाई करेंगे, यूके, कनाडा या किसी दूसरी कंट्री में, आपको सीए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप लोग सीए सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।